जय श्री राधे कृष्ण साथी, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं, दीपावली की पूरी सीरीज चल रही है अपार धन पाने के लिए, यानी कि झमाझम धन कैसे बरसेगा, यानी कि धन का अभाव कैसे दूर होगा, गरीबी कैसे दूर होगी, दरिद्रता कैसे दूर होगी, कर्जा कैसे दूर होगा, एक ऐसा कौन सा दिया है वो हम कौन सा दिया जलाएं और कैसे जलाएं और कब जलाएं कि हमारे घर से सारी की सारी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएं और हमें ईश्वर की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से इतना धन प्राप्त हो कि हम जो चाहें अपने जीवन में वो प्राप्त कर सके, जो हम लग्जरी लाइफ चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, वो हमें मिल जाए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ दीपावली की। दीपावली की अनंत शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दीपावली वाला दिन आपका 31 अक्टूबर हो सकता है या फिर 1 नवम्बर हो सकता है, दिन कोई भी हो। बात हो रही है रात्रि पूजन की और बात हो रही है एकमात्र दिए की, जिस समय आप धन के देवता भगवान श्री कुबेर जी की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी जी की, गणपति जी की और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे, उस समय आपको एक या तो अखंड ज्योति जलाएंगे, नहीं तो 4 मुखी दीपक जलाएंगे। आप समझ लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। अखंड ज्योति का मतलब यह है कि आप उसके अंदर कलावे की मोटी बाती लगाएंगे, कलावे की मोटी बाती लगाएंगे, जैसे आप नवरात्रों में जलाते हो उस तरह से। कहने का मतलब यह है कि जैसे रात्रि का जो पूजा का समय मैंने शुभ मुहूर्त बताऊं तो आपको 8:30 बजे तक पूजा करनी है रात्रि में, तो उसके बाद भी अगर रात्रि वाली पूजा है तो आप कर सकते हैं, तो उस समय वो जले तो पूरे 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे वो दीपक जरूर जले, ठीक है। अगर आपने 31 तारीख में दीपावली मनाई है तो कोशिश ये करिएगा कि 1 तारीख की रात तक वो दीपक जले। आपने 1 को मनाई है तो वो अगले दिन सुबह तक वो दीपक जरूर जले। मेरी बात समझ गए ना? कलावे की बाती उसके अंदर लगानी है, लंबी बाती उसके अंदर लगानी है। इसी के साथ साथ उसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर डालना है, 1 बताशा, 1 बताशा लीजिए, उसे फोड़िए, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर रखिए, बताशे के अंदर कपूर रखिए, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र रखिए और उस बताशे को उस अखंड ज्योति के अंदर आप प्रज्वलित करने के बाद छोड़ दीजिए, और उसके बाद वो ज्योति प्रज्वलित करके रखिए। आप ये देखेंगे कि इस ज्योति को जलाने से, दिया मैंने बता दिया कब जलाना है कैसे जलाना है, ये एक वो चमत्कारी दिया है, महा चमत्कारी दिया है जो अथाह धन की प्राप्ति कराता है। तो इस दिए को जलाना है, दिए को दूसरे दिए से नहीं जलाना है, या दूसरे दिए से नहीं जलाना, दूसरी यानी कि एक माचिस की तिल्ली से दूसरा दिया जलाकर भी नहीं जलाना, सेपरेट माचिस की तिल्ली लेना या फिर मोमबत्ती लेना। दियो का पर्व है दीपावली, है ना, आपका घर रोशन होगा दियो से, सब जगह आप तेल के दिए जलाएंगे, माता लक्ष्मी को घी का दिया जलाएंगे और अन्य दिए जो अगर व्यापार के लिए मैंने 11 दियों का एक उपाय बताया वो भी जलाएंगे, चाहे मैंने 3 दियों का उपाय बताया वो भी जलाएंगे, सब कुछ जलाएंगे, परंतु ये अखंड ज्योति जलाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, आप ये चाहते हैं आपके जीवन में अखंड लक्ष्मी आए, अखंड लक्ष्मी का मतलब जब लक्ष्मी की आवक रुके ही ना, ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी स्थिर हो गई, अगर लक्ष्मी स्थिर होगी तो ना आएगी ना जाएगी, समझ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए अखंड लक्ष्मी जो कभी खंडित ना हो, यानी कि पुनः 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 भर भर के हमारे घर में धन आगमन के मार्ग बनते रहे। तो उसके लिए मात्र एक दिए का ये उपाय जरूर से कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो पीतल का दिया होगा जो अखंड ज्योति वाला है वो जला लीजिए, नहीं तो फिर आप 4 मुखी दिया जला लीजिए, पर संभवतः ये प्रयास करिए, उसके अंदर चाहे बार बार आपको घी डालना पड़े, घी ना हो तो मैं आपको बता दूं तिल का तेल भी आप डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जला जरूर लेना, और 24 घंटे ना जले तो 12 घंटे तो जरूर जला लेना। ये अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अखंड ज्योति का दिया जरूर जलाएगा दीपावली की रात। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा बनाएगा।